कैसी बात कर रहे हैं? आप बनाइए ना विधायक से, विधायक से बात नहीं करें, जबरन झूठे मुकदमे काम करा रहे हैं। चिल्लाइए नहीं, चिल्लाए झूठा मुकदमे, चिल्लाइए नहीं, आप चिल्ला नहीं सकते, आप आराम से बात करिए। मैं बैठा हूँ, आप बैठिए ना, आप झूठा मुकदमा कायम कराने आगे बताइए कहाँ किसको चोट लगी है। साहब से बात कर लीजिए, आप साहब लाइन पे बात करिए, झूठा मुकदमा नहीं करेंगे सामने। ना करो, ना करो, मैं बैठा हूँ, जबरदस्ती बैठोगे थाने में? बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। मतलब झूठा मुकदमा कराओगे आप? मैं नहीं करा रहा हूँ, आप क्यों नहीं करा रहे हैं? आप झूठा मुकदमा किए हैं, आप बिल्कुल नहीं किया, सामने चोट लगी है। हाँ हाँ, झूठा मुकदमा करा रहे, झूठा मुकदमा सीधा, आप बकवास नहीं करें मेरे से। बकवास बकवास की बात मत करना मुझसे, मेरे से बात न करें। बता दिया मैंने, उल्टे सीधे शब्द अगर प्रयोग करोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आइए, आप बता दिया मैंने, बताइए। चलिए भाई साहब, आवेदन दे दो, आवेदन देंगे हम, कार्रवाई करा लेंगे। नहीं, और क्या बात हुई आपसे, आप ये बताइए हमें। चिल्लाने नहीं चाहिए, देखो आप हमसे कह रहे हैं कि बकवास मत करिए, थानेदार से आप ऐसा कहेंगे कि बकवास मत करिए? हम चिल्लाने की बात ही नहीं, हम तो आपको सम्मान कुर्सी पे बैठा ले भाई साहब। आपसे बात हुई कि भाई साहब उनके पास चिल्ला, नहीं वो तो एसपी साहब के पास है भाई साहब, जब लेकिन ज्यादा ही आप एग्रेसिव हो रहे थे, तो जल्दी वाले नहीं, अग्रेसिव वाली बात है, जैसे आप ये कहोगे कि आप फालतू बकवास मत करिए, तो हम आपके आपने काम करे तो बैठे, यहाँ घर का काम तो कोई कर नहीं रहे, घर का काम चिल्ला रहे थे तो मैंने कहा। पहले कौन ने शुरुआत करी है? आप सुन लीजिए, हमने शुरुआत करी, बिल्कुल हम आपको अंदर बिठा ले, सासम्मान बात सुनी, अंदर से आपकी सुनी, उनकी सुनी, सभी की बात सुनी। अंदर से आपका टोन अच्छा नहीं था। हाँ वो बोलो, हाँ अच्छा टोन नहीं था, ये नहीं अंदर, सुन लीजिए भाई साहब, अंदर अगर टोन अच्छा नहीं होता तो आप हमारे पास 15 मिनट नहीं बैठते हो। माफ करिए भाई साहब, नहीं माफ करने का तो प्रश्न ही नहीं है, माफ क्यों करेंगे हम तो कार्रवाई करने को, कार्रवाई करेंगे, कर दीजिए। तो आप आवेदन दिलाइए ना उनसे, या उनको बिठा लिए तो हम कार्रवाई करें। अरे आपके ऊपर क्या करना, आपने आपको आपको चिल्लाया मैंने, मेरी अब ये तो ये जबरदस्ती की बात है भाई साहब, आप चिल्लाने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं आप कैसे बोल रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हो, जल्दी आओ। नहीं हम तो आपसे कब से हम आप कह रहे हैं भाई साहब, आपको हम बिठा रहे हैं, भीतर बिठा रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए आदेश करिए क्या बात है। ये बार आपको बताया कि आवेदन आप दिला दीजिए, उसकी हम तस्दीक करा लेते हैं, कार्रवाई कर देंगे। अब चोट अगर किसी को नहीं लगी है, महिला को या पुरुष को, तो बिना चोट लगे तस्दीक तो कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? चोट नहीं लगी, लपके आ गया, चोट आपको दिखाए वो खोल कर, नहीं हमें कहा को दिखा, जो पुरुष आया है सामने नीलकंठ वो दिखाएगा हमें। जो महिला कह रही है कि ऐसे इस तरह से किया है, आप कह रहे हैं मैं जांच करवाऊंगा, क्या जांच करवाएंगे? अरे जांच नहीं, हम ये बोले तस्दीक कराएंगे हम कि घटना सही है कि नहीं है। अच्छा, कि क्या है, जब चोट ही नहीं है पुरुष को, कहीं शरीर अच्छा, को दिख नहीं रहा है, नहीं नहीं शरीर को, आदमी को नहीं, औरत को, औरत तो बोल ही नहीं पाती, औरत बोल पाती है क्या? औरत ही तो दिखा रही है कि यहाँ पाड़ा है, ये किया, किसको दिखा रही है? आपको, आपको। अरे मुझे काहे को दिखाएगी वो, नहीं आपने वीडियो बनाया साहब, तो हमें तो उन्हें कपड़े पर दिखाए, हाँ दिखाए, हम सही बात कर रहे हैं, नहीं हारने जीतने वाली बात नहीं है भाई, नहीं बात तो करना पड़ेगी, हमारे कार्यालय में आप हैं तो बात क्यों करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो ये आग्रह कर रहे हैं कि बैठ जाइए, आप जाइए भीतर बैठिए, नहीं इस तरह की चीजों का कोई अर्थ नहीं है ना, इनका कोई मतलब निकलता है। नहीं आपने आज पूरी जनता के सामने चिल्ला कर के अच्छी बात, नहीं तो चिल्लाने को तो आप वर्दी की गरिमा खराब करेंगे भाई साहब, तो कैसे बात, बैठे नीचे तो हम ही बैठे आपके साथ में, हम नहीं बैठे, हम आपको आप तो हम आपको अंदर बैठा ले, तो मार के भगा देते हो, आप गाली देके हम अंदर बैठा रहे हैं, जनता के पैसों से आप खा रहे हैं और जनता को ही आप गाली दे, पैसों से तो दोनों ही लोग खा रहे भाई साहब, हम भी और आप भी, मैं तो खा ही बैठा हूँ भाई साहब, खा रहा हूँ भाई साहब, हम हमेशा सेवा करते हैं जनता से, जनता से यहाँ जोड़ते हैं, अच्छी बात है, अच्छी हम तो हमेशा प्रयास करते हैं कि चीजें सही हों, आप जबरदस्ती अब वहाँ से निकल आए, चिल्ला चोट करते निकल आए, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती, आप एक जनप्रतिनिधि है, कोई बेहद हो रही है? नहीं सर, आप पहले चिल्लाए थे जब भोपाल तक बात पहुंच गई सर, ठीक है बोल रहा था हमारी बात, बात पहुंच गई, बात तो पहुंच गई सही भैया, वो महाराज जोड़ के आ रहा था, जितने बच्चा और लगा गया, कोई बोलो ना भैया कुछ कर सकते हैं सर जी, आप तो हम कुछ नहीं कुछ भी कर सकते हैं। हाँ सर सुनो, अभी तो पुलिस गेट फाड़ने गई थी, की गर्मा तो समझो, कुछ भी कर सकते हैं, चलिए वहाँ चलिए भाई, हमारे दरवाजे में सर जी कहा, बोले 500 डंडे घलेंगे तब पैदा
जब जो पता चलेगा राजा भैया केवट को क्या किया राजा भैया केवट ने, ना मार में रहा ना कुछ रहा। आपको सर पता है एजुकी साहब को फोन लगाया था परसों के दिन सर रात 12:30 बजे, वो बेचारा था भी नहीं, तब भी उसको लिखाया गया। चलिए तो नहीं साहब, प्लीज आप लोगों के लिए कुर्सी मुबारक। नहीं कुर्सी नहीं, आपसे हम फिर कह रहे हैं एक बार और भाई साहब फ्री में बैठ जाइए आराम। आप लोग बैठ जी सर, वैसे ही आए थे इस लाइक आपने बात की। हेलो आए हैं भैया, धरना में बैठेगा है मानी जी, बैठिए आपने का दिक्कत है। कुछ नहीं होगा, आप लोग जो चाहेंगे वो होगा। हम तो निवेदन कर रहे हैं, आप लोगों के चाहेंगे वो होगा, हम लोगों के जिद करने से थोड़ी कुछ होता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।